करीब 60 दिन तक ग्रीन जोन बना रहा कटनी, आज फिर एक बुरी खबर से जूझ रहा है जिसमें 9 वर्षीय बालिका का कोरोना पॉजिटिव का समाचार मिला है। उसके पिता की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आपको बता दें कि परिवार मुंबई से वृद्ध महिला के साथ उमरिया जिला गया था। वृद्ध महिला की मौत के बाद आई रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसके बाद उनके कटनी निवासी परिवार की जांच के लिए उमरिया कलेक्टर ने कटनी कलेक्टर को पत्र लिखा। आनन फानन में इस परिवार का संजय नगर में पता चला। 4 लोगों की जांच कराई गई, तब केवल 9 वर्ष की बच्ची पॉजिटिव आई। आज जब उसके पिता मुंबई से कटनी जिला अस्पताल अपनी बच्ची को देखने आए तो जिला अस्पताल में जांच के दौरान पिता भी कोरोना पॉजिटिव निकले। अब कटनी में संक्रमितों की संख्या 2 हो गई है। ये कहना सही है कि कटनी में अभी जो लड़की भर्ती है उसके पिता पॉजिटिव आए हैं। इसके पिताजी 30 तारीख को मुंबई से लड़की को अस्वस्थ जानने के बाद यहाँ कटनी आए थे, जिला चिकित्सालय डायरेक्ट आए थे। जिला चिकित्सालय में जैसे ही वो इंटर हुए, हम लोगों ने उन्होंने हमसे चर्चा की, हमने उनको वहीं क्वारंटाइन में डाल दिया अपने ही कोविड सेंटर में और उनका सैंपल लिया जो कल रात पॉजिटिव आया है। तो हम उनका ट्रीटमेंट यहाँ आरंभ कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे, माँ बाप और बिटिया, दोनों उमरिया की ओरिजिनल रहने वाली हैं और पिछले 20 साल से ये लोग बम्बई में रह रहे थे। असल ये जैसे संजय नगर में भी सील किया गया था, तो इनका निवास है क्या संजय ये नगर? संजय नगर में ये जो सुरेंद्र तिवारी जी, इनकी ससुराल है, ये मतलब बच्ची की ननिहाल है। अच्छा। तो यहाँ भी सबकी जाँच हो चुकी है, सारे निगेटिव हैं।